Good morning, students. Welcome for the social science revisions. Today we are going to take the geography chapter, natural vegetation and wildlife revision. I have brought the notes for you. So we will be revising this chapter with the help of the notes. So you can take down these notes for your revision also and for your learning. So you can revise these notes again and again when you are learning the chapter. Okay, so start. India is one of the 12th mega biodiversity country of the world. Okay, so mega means बहुत बड़ी, biodiversity means जिसमें इतनी सारी चीजें हैं. Biodiversity means living organisms हैं इतनी सारी. तो उसका जो नंबर है इंडिया का, that is on 12th in the world. So they are a group of countries that have the majority of the earth species and therefore consider extremely biodiverse. So ye wo countries hai jinke paas bahut jyada species hai world ki, theek hai na, isiliye inko biodiverse bola jata hai. So being a vast country, India having 47,000 plant species. प्लांट स्पीशीज में से हमारे पास है 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, जो वर्ल्ड का 6% है, एंड ऑक्यूपाइज 10th पोजिशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, एंड द 4th इन एशिया. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं जैसे फर्न्स, एलिगी एंड फिंगी ऑल्सो ग्रो हियर. ठीक है ना, ये हम इंडिया की बात करें, ये भी यहाँ पे ग्रो करते हैं. सो इट हैज अराउंड 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. ठीक है ना, जो मैरिन है और वाटर फिशेस हैं, ये हमारे वर्ल्ड में 90,000 स्पीशीज हमारे कंट्री में मिलती है. ठीक है ना, एंड वी आर हैविंग इंसेक्ट्स आल्सो. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन. सो नेचुरल और वर्जिन वेजिटेशन का मतलब होता है द प्लांट्स community which has grown naturally without any human intervention for a long term. Isko main definition ko yaad rakhna hai, because definition many times has been asked in the exam. So the question here, what is virgin vegetation? Ye ek aisi plant community hai jo naturally grow kar jati hai, isme kisi bhi human efforts ka zarurat nahi hota hai. Theek hai na, that natural vegetation which are left undisturbed over a long period of time are called virgin vegetation. जिसको हमने काफी समय तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और वो ग्रो करती चली जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, इन सबको हम कहते हैं virgin vegetation. तो virgin vegetations are of two types. First one is endemic species and third one is the exotic species. तो endemic species are those plants species which originated from the country. ठीक है ना, अपने ही कंट्री में से ही हैं और ये यहीं के ऑरिजिन है, यहीं के ही ये पौधे हैं. ये शुरू से ही हमने देखा है कि हमारी कंट्रीज में हैं. ठीक है ना, और एक्सोटिक स्पीशीज होती है वो स्पीशीज विच आर ऑरिजिनेटेड आउटसाइड द कंट्री, जो बाहर से लाई जाती है. ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं, जैसे ट्यूलिप की होती है, ट्यूलिप पौधा है हमारे पास, पहले था नहीं, तो वी हैव ब्रॉट इट फ्रॉम द अदर कंट्री, तो हम बाहर से उसको लेके आए हैं. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइवर्सिटी. अभी इतना सारा डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है कंट्री के, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स दिस डाइवर्सिटी. सो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्लूना that are relief features. Relief में हमारे पास land and soil आता है. Climates, climate में हमारे पास temperature, photo period and precipitation. ये तीनों चीजें आती हैं. And ecosystem. These are as follows. ये कैसे हैं? Let's start with one. Relief features में मैंने अब बोला कि हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं, land and soil. Land अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, द नेचर ऑफ द लैंड दैट इज वेदर इट इज प्लेन, हिली और प्लेट्यू.
ये सब डिटरमाइन करता है उस तरीके की वेजिटेशन को जो वहां पे ग्रो करती है, वो कैसा एरिया है, वो प्लेन एरिया है, हिली एरिया या प्लेटू रीजन है, वहां पे उसको इफेक्ट करता है. फर्टाइल लैंड ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फर्टाइल लैंड है उस एरिया का, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है वहां की क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, ठीक है ना. अनड्यूलेटिंग वेव एंड रफ सरफेस, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर खाबड़ जो है और रफ सरफेस है, जनरली डेवलप ईदर इनटू ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स. यानी कई बार जो हमारा जो लैंड है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो कई बार अपने आप में ही डेवलप हो जाता है, कुछ ग्रासलैंड्स आ जाती है, कुछ वुड्स वहाँ पे खड़े हो जाते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स अकॉर्डिंगली सस्टेन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल. तो जिस तरीके के पौधे, प्लांट्स, ट्रीज वहाँ होते हैं, तो वहीं पर ही उसी तरीके के एनिमल्स भी वहाँ पे अपना घर बनाना, शेल्टर बनाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे हमें डिफरेंट एनिमल्स एरियाज के हिसाब से मिलते हैं. सेकेंड इज द सॉइल. सॉइल सॉइल ऑल्सो वेरी प्लेस टू प्लेस. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है ना. तो इसमें है द एग्जाम्पल एलुवियल और डेलिटिक सॉइल, जो रिवर एरियाज में होती है और बहुत ज़्यादा डेल्टा बनाती है, और ये सारी होती है नियर द सी और बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, ठीक है ना. विथ सस्टेन मैंग्रोव फॉरेस्ट वाइल्ड स्लोप्स ऑफ हिल्स ऑल्सो हैव कॉनिकल ट्रीज. तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे रिवर्स बहुत अच्छी लंबी एरियाज में फ्लो करती है और डेल्टास बनाती है, ठीक है ना. और बहुत ज़्यादा एरियाज जो होते हैं वहाँ पे कॉनिकल ट्रीज मिलते हैं जो हिल्स एरियाज में होते हैं. तो सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट सनस्टेन्स थ्रोनी बुशेस, और ऐसे एरिया जहाँ पे रेत होता है वहाँ पे थ्रोनी कांटेदार बुशेस झाड़ियाँ होती हैं. सो एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो इनहैबिटेड लोकेशंस बेस्ड ऑन रिलीफ. सो एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे एरिया में अपने अपने तरीके से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें थ्रोनी बुशेस प्लांट्स होते हैं, वो सिर्फ डेजर्ट्स में मिलते हैं, तो वहाँ पे एनिमल्स भी कुछ गिने चुने मिलेंगे, जैसे लिजर्ड्स मिलेगा, स्नेक मिलेगा, कैमल मिलेगा. तो ऐसे एनिमल्स हमें डेजर्ट्स एरिया में मिलेंगे. तो वी हैव डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट हैज बीन फाउंड इन दीज एरियाज. फॉर एग्जाम्पल माइग्रेटिंग बर्ड्स लाइक द साइबेरियन क्रेन्स एंड फ्लेमिंगो आर फाउंड टू नेस्ट इन द वेट लैंड्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ, वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी, ठीक है ना. तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते, अपनी प्लेसेस को चेंज करके यहाँ पे आती हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट इज द क्लाइमेट. क्लाइमेट इसमें इंक्लूडेड होते हैं टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन. लेट्स स्टार्ट विद द टेम्परेचर. टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड प्रेसिपिटेशन डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स एक्सटेंट. एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो इफेक्ट करता है उस एरिया के एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, और वहाँ का प्रेसिपिटेशन कैसा है. प्रेसिपिटेशन मतलब हवा का, जो हवा में नमी, हवा में दबाव कितना है, ठीक है ना. तो एज अ क्लाइमेट गेट्स कोल्डर ईदर बाय इंक्रीज इन एटीट्यूड और बाय गोइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द वेजिटेशन विल चेंज फ्रॉम ट्रॉपिक टू सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेट एंड देन अल्पाइन. तो जैसे ही हम देखते हैं कि हम इक्वेटर लाइन से जितना दूर जाते हैं उतना ही हमारा जो ग्रीनरी है वो डिफर करती है, और अगर हम जितना ही हाइट पर जाते हैं, ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हैं, उतना ही हमारा क्लाइमेट भी डिफर करता है, ठीक है ना. सो फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एंड द हिल्स ऑफ पेनिनसुला द फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ. तो वहाँ के एरियाज में, हिमालयस और पेनिनसुलाज में, बहुत कुछ डिफरेंट होता है उनके वेजिटेशंस और उनकी ग्रोथ पर, ठीक है. तो हियर ऑन द टेबल यू कैन सी डिफरेंट वेजिटेशंस जोन्स दिखाया गया है,
और यहाँ पे कितना जो टेम्परेचर होता है वो एनुअल में शो किया गया है। यहाँ पे टेम्परेचर शो किया गया है जनवरी का, और यहाँ पे उनको रिमार्क्स दिया गया कि यहाँ पे फ्रॉस्ट होता है, यहाँ पे फ्रॉस्ट बहुत कम होता है, यहाँ पे फ्रॉस्ट स्नो के नाम पे होता है, और यहाँ पे बिल्कुल ही स्नो एरिया हो जाता है, एल्पाइन्स एरियाज होते हैं, जो रीजन्स होते हैं वो कौन से बिल्कुल बर्फ वाले एरियाज माने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द फोटो पीरियड, दैट इज द सन लाइट। फोटो यानी सन, पीरियड लाइट। द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज नोन एज अ फोटो पीरियड। द डिफरेंस इन लैटिट्यूड एटीट्यूड एंड सीजन ब्रिंग्स वेरिएशंस इन ड्यूरेशंस ऑफ सनलाइट इन डिफरेंट प्लेसेस। सो जितना एरिया डिफर होता है, अगर वो लैटिट्यूड एटीट्यूड और सीजन्स में वेरिएशंस आता है, तो वो मेनली इफेक्ट करता है सनलाइट पे। तो वार्म रीजन्स एंड क्लाइमेट प्लांट ग्रोथ इज फास्टर ड्यू टू लॉन्गर वेरिएशंस ऑफ सनलाइट, स्पेशली विद अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट मॉइस्चर। ठीक है, वहाँ पे कितनी कितनी सनलाइट पहुँचती है वो बहुत कुछ डिफर करता है। एन इंस्टेंट इज अ फैक्ट दैट द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयज आर कवर्ड विद थिकर वेजिटेशन देन द नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसे हम सदर्न स्लोप्स में जाते हैं ऑफ द हिमालयज, वो कवर्ड हैं आर कवर्ड विद थिक वेजिटेशन। ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स में इतना नहीं है जितना हम देखते हैं सदर्न स्लोप्स में हम लोगों को वेजिटेशन मिलता है। नेक्स्ट वन इज द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना, जो जून से सितंबर में आती है, और रिट्रीटिंग मानसून जो नॉर्थ टू ईस्ट में जाती है, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। दीज मानसून ब्रिंग्स ऑलमोस्ट ऑल द रेनफॉल इन इंडिया। यही सारी मानसून होती हैं, जैसे साउथ वेस्ट मानसून होती है और कमिंग मानसून है, रिट्रेनिंग मानसून है, यही सारी ही हवाओं के साथ में अपनी बारिश लेके आती है। तो एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ऑलवेज हैव डेंसर वेजिटेशन। जितनी भी बड़े एरियाज होते हैं, जितनी भी हैवी रेनफॉल होती है, उतना ही डेंसर वेजिटेशंस होता है देन अदर एरियाज विद लेसर रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है। द साउथ वेस्ट मानसून रेन्स ऑन द विंड वर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो साउथ वेस्ट मानसून जो बारिश आती है वो अपने साथ क्या लेके आती है, वेस्टर्न घाट्स में अपने साइड में विंड्स लेके आती है, और यहाँ पे विंडवर्ड साइड्स मानसून होती हैं। दस कॉजेज अ हैवी ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जहाँ पे बारिश अच्छी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट भी अच्छा होगा, और यहाँ पे बहुत अच्छा फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। सो वेयर इज द लीवर्ड साइड्स डज नॉट हैव एनी सच फॉरेस्ट, और जहाँ पे लीवर्स वेव्स जाती हैं वहाँ पे बारिश कम होती है, क्योंकि यहाँ पे विंड का इफेक्ट कम होता है। सो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स अकर इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की स्पीशीज मिलती है, और वो एक जैसे सिमिलर तरीके की क्लाइमेटिकल कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। सो टू अ लार्ज एक्सटेंट इट्स नेचुरल डिटरमाइंस द एनिमल्स लाइफ इन दैट एरिया। तो प्लांट्स के साथ साथ वहाँ पे एनिमल्स लाइफ को भी अफेक्टेड किया जाता है। सो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर इस एरियाज में प्लांट्स मिलते हैं और वहाँ पे एनिमल्स भी मिलते हैं, सो एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है, क्या है, इंटर डिपेंडेंट है इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है जिससे वहाँ का इकोसिस्टम बनता है। दस एन इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एज वेल एज ऑल द नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट विद विच द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट सच एज एयर सॉइल वाटर एंड सनलाइट। सो ऐसे इकोसिस्टम में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स सपोर्ट करते हैं।
सो ये जो इकोसिस्टम होता है वो एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक एरियाज में, ठीक है, और ये इफेक्टेड होते हैं नॉन लिविंग्स पे, फिजिकल कंपोनेंट्स पे, इन्वायरमेंट्स पे, ठीक है, और एक दूसरे को ये इंटरैक्ट करते हैं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं इस एरियाज में, डिफरेंट तरह के हम लोगों को एनिमल्स प्लांट्स मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज द बायोमे. बायोमे क्या होता है? बायोमे इज अ मेजर कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग सिमिलर लाइफ फॉर्म एग्जिस्टिंग अंडर सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन. अ बायोमे इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग देयर. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ मेजर लाइफ जोन, ठीक है ना. बायोमी जहाँ एक ऐसी कम्युनिटी एरिया बनाया है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, लीव करते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन बायोमी की याद करना बहुत इम्पोर्टेंट. ह्यूमन इन्फ्लुएंस इन एन इकोसिस्टम. अब ह्यूमन का क्या इसमें इंटरफेरेंस है या इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, इसका पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना. ह्यूमंस क्या करते हैं, हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं. द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब ह्यूमन क्या होता है, वो बहुत ग्रीडी होता है और अपनी ग्रीड को यूज कैसे करता है, वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है. सो ह्यूमन बींग कट द ट्रीज and kill the animals, creating ecological imbalance. तो ह्यूमन अपनी ग्रीड के लिए इन चीज़ों को किल करता है, कट करता है, जिससे क्या होता है, इकोलॉजिकल में इम्बैलेंस हो जाता है. ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. अब हमने ह्यूमन्स ने इतनी सारी एक्टिविटीज कर दी, कटिंग कर दिया, किलिंग कर दिया, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है. फॉरेस्ट आर एडवेंचरस एडवांटेजेस फॉर द एनवायरमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है. दे इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, दे रिड्यूस सॉइल एरोशंस, दे रेगुलेट स्ट्रीम फ्लोज, provide raw material for industries and livelihood for many things. ये कुछ shots में इन्होंने सारे important समझा दिए हैं. ये climate को influence करता है, ये soil erosions को reduce करता है अगर हम बहुत सारे plants, trees लगाएं, ठीक है ना. ये पानी, ये जो stream है, जो streams होती है उनके flows को regulate करता है. जितनी जितने छोटे छोटे झरने होंगे, स्ट्रीम्स होंगे, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. ये बहुत इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत लिविंग्स को सपोर्ट करता है. दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेनफॉल, ठीक है. ये क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, विंड फोर्स को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर, ठीक है ना, और रेनफॉल को भी कंट्रोल करता है. दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द वेरियस स्पीशीज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. नाउ चेंज इन नेचर ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया. अब जो वेजिटेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. फैक्टर्स लाइक ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड्स. अब क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, हम लैंड्स बढ़ा रहे हैं कल्टिवेशन के लिए. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हो रही है, माइनिंग्स बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, नेचुरल वेजिटेशन पे इफेक्ट जाता है. तो देन वेजिटेशन कवर इन इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस. अगर हम माने तो रियल सेंस में जितनी भी वेजिटेशन है वो नेचुरल बची नहीं है, एक्सेप्ट इन सम इनएसेसिबल रीजन्स लाइक हिमालय, द हिल रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली. ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन अभी भी है, बट स्टिल ह्यूमन अफेक्टेड एरियाज बहुत ज़्यादा है. सो इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज ईदर मॉडिफाइड, रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस. तो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को हम इफेक्ट कर चुके हैं,
let's discuss the type of vegetation. We are having major five types of vegetations. These are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and scrubs. ये तीन हैं जो tropical zones में आती हैं. Next one is a montane forest and mangrove forest. ठीक है. According to India State of Forest Report 2015, the forest cover in India is 21.34%, which was 21.5% in the year 2011. तो अब हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, हमने फॉरेस्ट एरियाज को इंक्रीज किया. ठीक है ना, ये करंट रिपोर्टेड हमें मिला है, करंट रिपोर्ट हमें मिला है. सो विद द हेल्प ऑफ द मैप यू कैन अंडरस्टैंड ये कौन कौन से एरियाज में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस हैं. यू कैन चेक इन योर बुक ऑल्सो. सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन. लेट्स स्टार्ट विद द tropical evergreen forest. So these are also called tropical rainforest. They cover about 12% of the total forest area in India. They are found in areas where the annual rainfall is over 200 centimeter. ठीक है. So अब हम बात कर रहे हैं tropical rainforest की, जो 12% India में है total forest में से. ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है 200 सेंटीमीटर्स. अब कौन कौन से एरियाज में ये मिलता है? दीज आर अवेलेबल इन द वेस्टर्न स्लोप्स यानी वेस्टर्न घाट्स में. ठीक है ना, आइलैंड्स ग्रुप्स लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एरियाज में भी इनके वेस्टर्न स्लोप्स में वेस्टर्न घाट्स में हमें मिलेगा. अपर पार्ट्स ऑफ आसाम, सम पार्ट्स ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड ओडिशा में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है. So these, as these areas are warm and wet along throughout the year, they have abundant vegetation with tall trees, creepers, bushes. यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश की वजह से हम देखते हैं जो temperature होता है वो बहुत ज़्यादा warm होता है, wet होता है. ठीक है ना, और बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पे vegetations मिलते हैं, बड़े बड़े trees मिलते हैं, creepers होते हैं, bushes होती हैं. So the vegetation occurs in a multi-layer structure. जो वेजिटेशन है यहाँ की, जो ग्रीनरी है, वो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल है. सो दीज अपीयर्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एज द ट्री शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स. हमेशा यहाँ पे ग्रीनरी बनी रहती है क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो अपना जो पत्ता होता है वो समय टू समय गिराते हैं, एक साथ नहीं गिराते हैं. यहाँ पे कौन से फ्लोरा और फ्यूना मिलते हैं, लेट्स सी. वी आर हैविंग एबोनी, महागोनी, चिंचोनिया, रबर, रोजवुड. ये सारे ट्रीज जो होते हैं जो बहुत सारे कमर्शियल पर्पसेस के लिए हमें यहाँ पे मिलते हैं. अगर हम बात करें एनिमल्स की, वी आर हैविंग राइनोसॉर्स, एलिफेंट्स, वी आर हैविंग वेरियस स्पीशीज ऑफ मंकीज, लेमूर, डियर, मैनी बर्ड्स, दे हैव बीन फाउंड हियर. अगर हम बर्ड्स की बात करें, वी आर हैविंग बैट्स, लोथ, स्क्रपियंस, स्नेल्स, यहाँ पे हमें ये सारे हमें मिलेंगे. तो ये सारे जो वेजिटेशंस हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन के, ये सारे बर्ड्स, एनिमल्स हैं, ये सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन के हैं. तो यू कैन सी द ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मल्टी लेयर फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप. तो सेकेंड पे जाते हैं, सेकेंड टाइप, दैट इज अ ट्रॉपिकल डेसीड्यूरस फॉरेस्ट. सो दीज आर About 64% of the fertile forest, total forest का 64% हमारी country में available है. And are the most abundant varieties of forest in India. These are also called monsoon forest and also spread over the region receiving rainfall between 200 to 70 meters. यहाँ पे जो rainfall होती है वो 200 से 70 सेंटीमीटर्स तक होती है. और ये मॉनसून फॉरेस्ट है, मॉनसून समय पे ही अपना जो ग्रीनरी है वो शो करते हैं. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेयर देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर. ये ड्राई समर्स में अपने पत्ते झाड़ देते हैं. ठीक है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज अ मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड सेकेंड वन इज अ ड्राई डेसीड्यूरस. ठीक है,
So this I will be going to take in my next video. So till here, you read, revise, and take care of your health.